हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ गौरव। और दुनिया में बहुत से विचित्र पदार्थ हैं जिनके बारे में हम आज भी बहुत कम जानते हैं, लेकिन इनके साथ एक्सपेरिमेंट करते वक्त अगर आपने थोड़ी सी भी गलती कर दी तो उसका नतीजा आपको भुगतना पड़ सकता है। ठीक ऐसा ही हुआ एक फीमेल रिसर्चर कैरन वॉटरहैन के साथ, जब वो एक ऐसे केमिकल कंपाउंड के साथ काम कर रही थी जिसके बारे में हमें बहुत कम नॉलेज थी। इस केमिकल का नाम था डायमेथिल मर्क्यूरी, जो मर्क्यूरी केमिकल का ही एक रूप है। बट अनलाइक मर्क्यूरी जो एक सिल्वरी कलर का सेमी लिक्विड होता है, ये पानी के तरह कलरलेस होता है और इसकी गंध मीठी सी केमिकल जैसी होती है। कैरन को पता था कि ये एक डेंजरस केमिकल है और इसीलिए उसने वो हिसाब से प्रोटेक्टिव कपड़े, ग्लव्स और इवन नेगेटिव प्रेशर फ्यूम हुड्स भी यूज किए थे अपने आप को सुरक्षित रखने। मर्क्यूरी को हैंडल करते वक्त उसने गलती से दो बूंद इस केमिकल की अपने लेटेक्स ग्लव्स में गिरा दिया। कैरन वैसे तो एक एक्सपर्ट थी जो केमिकल के त्वचा में पेनिट्रेशन की काबिलियत को अच्छे से जानती थी, लेकिन उस वक्त उन्होंने इस चीज को दूसरी नजर नहीं दी। अपने ग्लव्स से वाइप कर लिया और काम पे वापस लग गई। उन्होंने उस बारे में फिर कभी सोचा भी नहीं। लेकिन 5 महीने बाद कुछ उनके साथ ऐसी चीजें होने लगी जिसने उन्हें सोचने पर मजबूर कर दिया। वो चलते चलते ही दीवारों से टकरा जाती थी, उन्हें चीजें हिलते डुलते दिखाई देती, उन्हें कानों में अजीब सी आवाज सुनाई देती, चलते समय उनके मसल्स का कोऑर्डिनेशन नहीं रहता और बोलते वक्त वो ठीक से बोल नहीं पाती थी। ये सारे सिम्टम्स किसी टाइप के न्यूरल डीजेनरेशन के तरफ इशारा कर रहे थे, क्योंकि जाहिर सी बात थी उनका सेंट्रल नर्वस सिस्टम ठीक से काम नहीं कर रहा था। ऐसा लग रहा था कि दिन भर दिन उनके न्यूरॉन्स तेजी से मर रहे हैं। इस सभी से घबरा के कैरन ने ब्लड टेस्ट करवाया, जिसमें पाया गया कि उनके खून में मर्क्यूरी की मात्रा 4000 माइक्रोग्राम्स पर लीटर से भी ज्यादा थी, जो था एवरेज से 4000 गुना ज्यादा। तो हम कंक्लूड कर सकते थे कि कैरन की ये कंडीशन मर्क्यूरी पॉइजनिंग के वजह से हुई थी। पर यह केस इतना सीधा नहीं था। नॉर्मली देखा गया है कि जब भी किसी प्रकार के टॉक्सिक केमिकल की मात्रा शरीर से कम हो जाती है तो पेशेंट की कंडीशन बेहतर होने लगती है, पर ये बार ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ। सेहत बेहतर होने की जगह और बदतर होती चली गई, और इसकी वजह ये थी। दो किस्म के केमिकल्स होते हैं। एक होते हैं वाटर सल्यूबल केमिकल्स, यानी ये आपके शरीर में पानी में डिसॉल्व या फिर मिक्स होके शरीर से बाहर किडनीज द्वारा प्यूरिफाई होके निकल जाएंगे। अल्कोहल इसका एक अच्छा एग्जाम्पल है, जिसके मॉलिक्यूल्स कुछ ही घंटों बाद आपके शरीर से निकल जाते हैं। पर दूसरी तरफ ऐसे भी केमिकल्स होते हैं जो फैट सल्यूबल होते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैरिवाना का जो कंपाउंड है THC, टेट्राहाइड्रोकैनाबिनॉइड। मैरिवाना स्मोक करने के बाद भी ये आपके ब्लड में 1 महीने तक डिटेक्ट हो सकता है। डायमेथिल मर्क्यूरी भी बिल्कुल ऐसा ही है। फैट सल्यूबल होने के वजह से ये कैरन के शरीर के एक बहुत ही महत्वपूर्ण अंग में जमा हो गया, और वो अंग था ब्रेन। ब्रेन ही हमारे शरीर का सबसे ज्यादा फैटी ऑर्गन है, और डायमेथिल मर्क्यूरी के मॉलिक्यूल्स कैरन के ब्रेन में एब्जॉर्ब हो गए, जहां से वो दूसरे कंपाउंड्स के साथ रिएक्ट करके उसके दिमाग पर ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस डाल रहे थे, जिससे ऑफ कोर्स ऐसे कंपाउंड्स का जन्म हो रहा था जो दिमागी न्यूरॉन्स को खत्म कर रहे थे। ये वजह थी कि कैरन ऐसे अजीब सिम्टम्स महसूस कर रही थी। अब प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करने के बाद यहाँ पे सवाल ये आया कि इतना सारा मर्क्यूरी जल्द से जल्द कैसे निकाला जा सकता है। अब फ्रेंड्स ध्यान रखिए, ये जो परेशानी से हम जूझ रहे हैं ये केमिकल के मॉलिक्यूल्स की है जो हमारे शरीर में मिक्स हो गई है और अंदर तहस महस कर रही है। इसे निकालना कोई आसान काम नहीं है, लेकिन दो मेडिकल प्रोसीजर्स सामने आए। एक तो ये हो सकता था कि किसी तरह ये फैट सल्यूबल मर्क्यूरी को अगर शरीर में ही ब्रेक करके वाटर सल्यूबल बनाया जा सके तो किडनीज द्वारा ये यूरिन में निकाला जा सकता है, लेकिन ये पॉसिबल नहीं था क्योंकि डायमेथिल मर्क्यूरी हमारे लिवर में ब्रेक डाउन होता है मेथिल मर्क्यूरी में, जो फिर से वापस फैट सल्यूबल है और वाटर सल्यूबल नहीं। पर दूसरा और सबसे आखिरी तरीका रह गया था, जिसे कहते हैं कीलेशन की प्रक्रिया। केमिकल कीलेशन का मतलब एक बड़े वाटर सल्यूबल मॉलिक्यूल के अंदर छोटे फैट सल्यूबल मॉलिक्यूल्स को एब्सॉर्ब करके वाटर सल्यूबल मॉलिक्यूल को यूरिन से निकालना। ये शुरुआत के लिए काम जरूर किया, क्योंकि कैरन के यूरिन में दवा लेने के अगले दिन मर्क्यूरी की मात्रा 60 गुना
गुना बढ़ गई, लेकिन ये फिर भी काफी नहीं था क्योंकि सबसे ज्यादा मर्क्यूरी उसके दिमाग के फैट सेल्स के अंदर पहले से ही एब्जॉर्ब हो चुका था और उसे निकालना लगभग असंभव था। पहली बार सिम्टम्स देखे जाने के 3 हफ्ते बाद कैरन की हालत बहुत खराब हो गई थी। अब वो अपने शरीर को मूव ही नहीं कर पाती थी, यहाँ तक इमोशंस और एक्सप्रेशंस भी नहीं दिखा पाती। उनके हस्बैंड और एक स्टूडेंट ने एक बार उनके आंखों से आंसू निकलते देखे, लेकिन कोई एक्सप्रेशंस या शारीरिक हलचल नहीं थी। डॉक्टर से पूछने पर डॉक्टर्स का कहना ये था कि रिपोर्ट्स के अनुसार उस समय वो दर्द क्या होता है वो भी महसूस कर नहीं पा रही थी। और उसके बाद June 8, 1997 को कैरन वेटरहॉर्न इस दुनिया में नहीं रही। ये बहुत ही दुख की बात थी और एक बहुत ही बुरी कंडीशन हो गई थी मेडिकल साइंस के इतिहास में। इसके बाद से ये केमिकल को लेके लेबोरेटरीज में कानून बहुत स्ट्रॉन्ग हो गए। उसके बाद से कोई भी डायमेथिल मर्क्यूरी के साथ अगर काम कर रहा हो तो 2 ग्लव्स पहनना कंपलसरी हो गया, जिसमें एक ग्लव नियोप्रीन का होगा जो बहुत ही रेजिस्टेंट और प्रोटेक्टिव मटेरियल होता है। ये करना तो जरूरी ही था क्योंकि आखिर डायमेथिल मर्क्यूरी पतले ग्लव्स के ही आर पार निकल पाया था। और ये था ऑर्गेनिक मर्क्यूरी यानी डायमेथिल मर्क्यूरी, जो आपके शरीर में सबसे ज्यादा और तेजी से एब्जॉर्ब होता है। नॉर्मल एलिमेंटल मर्क्यूरी आपके शरीर में इस तरह एब्जॉर्ब नहीं होता जिस तरह ये होता है। ये सच में एक बहुत ही घातक केमिकल है। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। उम्मीद है आपको इसमें से नया कुछ जरूर सीखने मिला। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर करना मत भूलिए, और ऐसे ही साइंस वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन करना मत भूलिए। और मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगा ऐसे ही किसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए और सीखते रहिए। जय हिंद।